तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल सरकारी फॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2023 से 2024 के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी की नई भर्ती कब आने वाली है, उसका नोटिफिकेशन का डेट क्या है तथा उसके बारे में सैलरी क्या है, उसमें आपका योग्यता क्या रहने वाला है, आपका क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, आपको एज में रिलैक्सेशन क्या मिलने वाला है, आपको इसमें किस किस पोस्ट पर भर्ती निकलेगी, एप्लीकेशन फ़ी क्या लगने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, अगर आपने एनसीसी किया हुआ है तो आपको क्या छूट मिलने वाली है, आपको क्या सैलरी मिलेगी, आपका डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा आपका, और मेल तथा फीमेल के लिए रनिंग कितना होगा, हाइट क्या होगा इसमें, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, आवेदन कैसे करना है आदि पूरी जानकारी देने वाले हैं। तथा वीडियो के अंत में आपको नोटिफिकेशन का लिंक भी देने वाले हैं, यहाँ पर नोटिफिकेशन कब आएगा इससे संबंधित पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तथा एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी के बारे में इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगा, तो आपके लिए ये वीडियो है, आप इसको पूरा जरूर देखें। आपको एसएससी जीडी नई भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो पसंद नहीं आए तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तथा ऐसी सरकारी जॉब की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे 421 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, आप जल्द से जल्द 450 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन देखने के लिए तथा वीडियो को नोटिफिकेशन देखने के लिए तथा एसएससी जीडी भर्ती के बारे में पूरी जानकारी के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर आना है और सर्च करना है ऑल सरकारी फॉर्म। दोस्तों, ऑल सरकारी फॉर्म सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट में ऑल सरकारी फॉर्म .com का होम पेज दिखाई देगा, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाइएगा ऑल सरकारी फॉर्म के, जहाँ पे नीचे लेटेस्ट जॉब में आपको एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2023 से 2024 देखने को मिल जाएगा, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको एसएससी जीडी भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, भारत के 10वीं पास लड़के तथा लड़कियों के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल में बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ आदि में ज्वाइन होकर देश की सेवा करने का शानदार मौका है। सरकारी नौकरी, डिफेंस जॉब की तैयारी कर रहे महिला पुरुष अभ्यर्थियों के लिए एसएससी की तरफ से एक नई खुशखबरी निकल कर आ रही है। एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2023 से 2024 कब आएगा, इसका इंतजार कर रहे युवाओं के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसमें नीचे आइएगा। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, यहाँ पे एसएससी जीडी में बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईडीपीपी, एआर, एसएसएफ तथा एनसीबी आदि के पदों पर भर्ती निकलती है। इसमें टोटल कितने पोस्ट पर भर्ती जारी की जाएगी ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे एज लिमिट आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको मिनिमम 18 वर्ष तथा अधिकतम आपको 23 वर्ष चाहिए। तथा एसएससी जीडी के लिए एज रिलैक्सेशन यानी उम्र सीमा में क्या छूट मिलता है तो आपको बता देते हैं, एससी एसटी के लिए अधिकतम 5 वर्ष की छूट तथा ओबीसी और एक्स सर्विसमैन के लिए अधिकतम 3 वर्ष की छूट मिलती है। उसके बाद से फ्रेंड्स, एसएससी जीडी में आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कितना पैसा लगता है, यानी एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाला है तो आपको बता दें, जनरल तथा ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपया तथा एससी एसटी और फीमेल अभ्यर्थियों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लगता है, इसके लिए वे बिल्कुल निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। तथा इसके बारे में क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसएससी जीडी के लिए आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप एसएससी जीडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तथा इसमें एनसीसी सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको क्या छूट मिलने वाली है तो आपको बता दें कि एनसीसी ए सर्टिफिकेट के लिए आपको 2% का एग्जामिनेशन में छूट मिलता है। तथा बी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको 3%, तथा अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% का मैक्सिमम आपको इसमें छूट मिलता है। उसके बाद से इसके बारे में सैलरी देख लें कि एसएससी जीडी में आपको कितना सैलरी मिलता है। तो फ्रेंड्स, एसएससी जीडी में लेवल 3 की सैलरी दी जाती है, जिसमें 21,700 से लेकर आपका 69,100 तक सैलरी मिलती है। तथा इसके साथ ही अन्य भत्ते तथा सुविधाएं भी दी जाती है। उसके बाद से फ्रेंड्स, आप नीचे आइएगा तो आप देख सकते हैं आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, 10th का मार्कशीट, फोटो सिग्नेचर आदि लगने वाला है। उसके बाद से फ्रेंड्स, इसके बारे में सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। तो आपको रिटन एग्जाम पहले होगा, उसके बाद से फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद से मेडिकल टेस्ट तथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के द्वारा आपका चयन किया जाता है। इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में देख लेते हैं, तो जो रनिंग होता है मेल के लिए वो 5 किलोमीटर होता है 24 मिनट में, तथा फीमेल के लिए रनिंग होता है वो 1600 मीटर होता है 8.5 मिनट में। उसके बाद से फ्रेंड्स, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देख लेते हैं। तो एसएससी जीडी में आपको मेल के लिए हाइट जो मांगा जाता है वो 170 सेंटीमीटर तथा फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, तथा चेस्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर मेल के लिए होता है प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंसिव होता है, और फीमेल के लिए चेस्ट के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद से इसका वेट देख लेते हैं, तो आपका हाइट और एज के अनुसार आपको वेट में छूट दी जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको अगर एससी एसटी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आपको
हाइट में छूट भी दी जाती है। उसके बाद से फ्रेंड्स इसके एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो SSC GD का एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है, जिसमें टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। तथा इसके लिए आपको 60 मिनट का समय मिलता है। तथा इसमें निगेटिव मार्किंग होता है, जो आपको एक सही उत्तर के लिए 2 अंक तथा गलत उत्तर के लिए आपको 0.50 नंबर काट लिए जाते हैं। उसके बाद से फ्रेंड्स इसमें सिलेबस आप देख सकते हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 सवाल होते हैं, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन तथा इंग्लिश या हिंदी के 20 क्वेश्चन, यानी टोटल मिलाकर आपको 80 क्वेश्चन होते हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, यानी आपको 160 नंबर का एग्जाम होता है, जिसके लिए आपको 60 मिनट का समय मिलता है। उसके बाद से फ्रेंड्स इसके लिए ऑनलाइन अप्लीकेशन को कैसे भरना है, तो आपको बता दें कि SSC GD ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कुछ इस प्रकार का होगा, जिसमें आपको सबसे पहले न्यू यूजर यानी रजिस्ट्रेशन करना होगा। तथा उसके बाद से लॉगिन करने के बाद आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले अपना डिटेल भरना होता है, उसके बाद से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, उसके बाद से इसके लिए फी भरना होता है, तथा लास्ट सबमिट करके आपको प्रिंट आउट निकालना होता है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में इसके बाद से इसका डेट जो देख लेते हैं, SSC GD न्यू वैकेंसी के लिए आपको डेट जो है वो नवंबर 2023 या अक्टूबर 2023 में इसके लिए अप्लीकेशन नोटिफिकेशन जारी होगा। तथा इसके लिए जो लास्ट डेट वो जारी होने के बाद 1 महीने तक रहता है, यानी अगर नवंबर में होता है तो आपको दिसंबर तक इसके लिए नोटिफिकेशन का लास्ट डेट रहने वाला है। तथा इसका जो एडमिट कार्ड आएगा वो जनवरी 2024 में आ सकता है। फ्रेंड्स आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे SSC GD के लिए रजिस्ट्रेशन तथा लॉगिन करने का लिंक दिया गया है। यहाँ पे SSC GD जो ओल्ड नोटिफिकेशन था आपका 2023 में ही 2022 का, उसको डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पुराना वाला नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं 27/10/2022 को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उसके बाद से फ्रेंड्स इसमें और नीचे आएगा तो आपको SSC कैलेंडर मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि SSC का कौन सा फॉर्म कब निकलता है। और आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके आप दिल्ली पुलिस भर्ती के लिए पूरी जानकारी ले सकते हैं। तथा आप हमारे चैनल पर जाकर भी दिल्ली पुलिस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं। और आप नीचे आइएगा तो आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको ऐसी सरकारी नौकरी सरकारी जॉब की जानकारी दी जाती है, जिसमें आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि को फॉलो कर सकते हैं। और आप नीचे आइएगा तो आप FAQ यानी फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, यानी जो आपका डाउट है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं तथा अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसको आपको आंसर जरूर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने आज की वीडियो में SSC GD भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी दे दी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पसंद नहीं आए तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। तथा अगर हमसे कोई गलती हुआ हो या आप हमको कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर बताएँ। और ऐसी सरकारी जॉब और सरकारी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा जल्द से जल्द आप 450 मेंबर को पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।